ये मिशन शक्ति कार्यक्रम का एक हिस्सा है जहाँ पे हम लोग हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के स्कूल के बच्चे हैं उनको अवसर देते हैं अपने बड़े ऑफिस में बैठ के लोगों की शिकायत सुने और मुझे आगे बैठकर लोगों की सुनवाई करके शिकायतों को निस्तारण करने की पूरी क्षमता रख रही है। मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करके आगे बढ़े लाइफ में और सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और नया आ गया शासन में तना मेरी पूरी बात सुन क्या हम अलग हो मतलब को अलग मेरी पूरी बात भेज दीजिए। हेलो समस्या का सरडीएम साहब समाधान करें समाधान हां सरडीएम साहब डीएम साहब लो मकसद क्या था और किन किन फैसलों को आज आप इनके सचिव की भूमिका में बैठे हैं। ये मिशन शक्ति कार्यक्रम का एक हिस्सा है जहाँ पे हम लोग हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के केजीबी के बच्चे हैं उनको एक अवसर देते हैं अपने बड़े ऑफिसेस में बैठ के लोगों की शिकायत सुने और क्रास रूट जमीनी स्तर के समस्याओं को समझे और आगे बढ़कर उनको सॉल्व करने की पूरी क्षमता रखें। इसी अनुरूप हमने आज काजल नाम की एक छोटी लड़की है 9th standard में पढ़ती है केजीबीवी में पढ़ती है सिराथू में उसको आज बुलाया था और उन्होंने सुबह 10 बजे से लेकर अभी 11:30 बजे तक 1.5-2 घंटे तक अभी यहाँ बैठ के जन सुनवाई किया लोगों की शिकायत सुनी बहुत सारी शिकायत सुनी जैसे कि विकास संबंधित थे कुछ थाना से रिलेटेड थे कुछ लैंड रिलेटेड मैटर्स थे कुछ एक छोटा बच्चा आया था उसका तो निवास का और जाति प्रमाण पत्र का भी मैटर था तो इन सब के ऊपर उन्होंने हमसे पूछा भी हमने उनसे समझाया भी कैसे समस्या को सुलझाया जा सकता है और कैसे हम लोग आम जनमानस का सहयोग कर सकते हैं इस कुर्सी पर बैठ के। तो ये एक एग्जांपल है हमारे कौशाम्बी के समस्त बच्चियों को भी एक मैसेज भी है लड़कियों को भी मैसेज है कि अगर आप सब लोग हमारे शक्ति का एक रूप है और जैसे कि आप नवरात्र चल भी रहे हैं और हम दुर्गा माता का हम लोग पूजन कर भी रहे हैं एक अच्छा एग्जाम्पल भी है हमारे सामने एक बच्ची बैठकर लोगों की सुनवाई करके शिकायतों को निस्तारण करने की पूरी क्षमता रख रही है। मैं आशा करता हूँ कि सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करके आगे बढ़े लाइफ में और सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भैया क्या नाम है आपका और आज आप डीएम की कुर्सी पर बैठी हैं किन किन फैसलों को आपने निपटाया है और एम क्या है आगे का? मेरा नाम काजल है। बहुत सी समस्याएं आई है एक बच्चा भी आया था जिसका निवास प्रमाण पत्र नहीं बना था तो उसका भी संविधान ढूंढ रहे और बहुत सी आई है विकास संबंधित कोई खास शिकायत जो जिसका आपने निस्तारण किया हो दिया। अच्छा बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? IPS। कुर्सी पर आप DM के बैठी हैं और IPS बनना चाहती हैं ये भी नहीं कोई बात नहीं उसकी उसकी जो इच्छा ठीक है। नाम बता दीजिए स्कूल का नाम बता दीजिए। काजल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय।